Hello friends, how are you all? Myself, Mr. Shivam Dhiman, and I am your social science teacher also. And in this video, I will explain the lesson Human Environment, Settlement, Transport and Communication, which is for class 7 and related to your geography part. So friends, first of all, I welcome you all to the YouTube channel of our school, RS Public. And this chapter shows the environment, the surrounding created by the activities led by the human. तो हम इस चैप्टर में ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे. जिस प्रकार फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, उसी तरह से मनुष्य जो है, ह्यूमन जो है, वो अपना एनवायरनमेंट खुद ही क्रिएट करता है. उसके लिए मैं पहले आपको ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा. एज वी ऑल नो डैट मैन इज द स्पेशलाइज स्पीशीज इन ऑल द क्रिएचर ऑफ दिस अर्थ. जो मानव जाति है वो सबसे वेल ऑर्गेनाइज क्रिएचर है इस धरती का. और जो ह्यूमन मैन है वो अर्थ में इंडिविजुअल था. एंड व्हेन ही फाउंड अ पार्टनर, मींस जो आदमी था वो जब अकेला है, एकल है, तो वो इंडिविजुअल है. और जब उसका विवाह हुआ और जब उसे उसका पार्टनर मिला, लाइफ पार्टनर मिला, तो उससे उसने फैमिली बनाई जिसमें हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रंस हुए. ठीक है, तो फैमिली इस तरह से डेवलप हुई. जब कई मल्टीपल फैमिलीज हमारे समाज में आई तो वो सोसाइटी का फॉर्मेशन करती हैं. और सोसाइटी जो है उसमें कई रिलीजियस, मतलब कई फैक्टर्स होते हैं. कोई रीजन से बिलोंग करता है, कोई रिलीजन से बटा हुआ है, अलग अलग धर्म अलग अलग जगहों से रीजन से बिलोंग करते हैं. तो ये सब कल्चर्स हमारे थ्रू ही बनाए हुए हैं, कस्टम्स के थ्रू हमारे थ्रू ही बनाए हुए हैं. तो ये सब भी ह्यूमन एनवायरनमेंट में ही आ जाते हैं. और फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट. तो इंफ्रास्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट मींस वो एनवायरनमेंट जो मनुष्य ने अपने फायदे के लिए डेवलप कराया, जैसे कि आपका डैम्स हो गया, रोड्स हो गया, हाईवे, स्कूल, तो सिटीज, विलेजेस है ना, पार्क्स है, जू है. तो ये सब मनुष्य ने अपने ही फायदे के लिए बनाया जिससे उसका एनवायरनमेंट इन्हेंस हो पाया. और उसमें हम मनुष्य के एनवायरनमेंट, मनुष्य के सराउंडिंग में ये सब चीजें देख सकते हैं. जैसे कि इंडिविजुअल वो खुद है, कि उसकी फैमिली, उसका सोसाइटी, रिलीजियस प्लेसेस या रीजंस, कस्टम्स, और बिल्डिंग्स है, डैम्स है, और उसकी एक्टिविटीज जिससे कि नेचर को अफेक्ट भी होता और फायदे भी होते हैं. ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एनवायरनमेंट में सेटलमेंट के बारे में जानेंगे. Settlement means, what is settlement? Settlement means to settle or to occupy a space for his or her living conditions. Settlement means किसी जगह पर बस जाना ताकि हम अपने जीवन को और सुचारू रूप से जी सके. तो settlements जो हैं वो early times में जब early human beings थे तो early humans used to live इन द केव्स और ऑन द ट्रीज. तो अर्ली ह्यूमन जो थे वो गुफाओं में या पेड़ों पर चढ़ के रहते थे. तो धीरे धीरे जब उन्होंने फार्मिंग करना शुरू किया और कई ऐसी एक्टिविटीज उन्होंने की जिससे कि उनको फील हुआ कि अब उन्हें ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, अपने ही प्रिवेंशन करने के लिए सेटलमेंट जरूरी है. तो सेटलमेंट दो तरह के हुए, टेम्पोररी और परमानेंट. टेम्पोररी सेटलमेंट वो हुआ जब आप
एक जगह पर ज्यादा देर तक नर के कुछ महीने या कुछ साल तक ही रुके, मतलब 2-3 साल, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक जगह पर आप रुक रहे हैं तो वहां पर टेम्पररी सेटलमेंट है। जैसे कि जो हर्डर्स है, बंजारास है, ये एक जगह पर ज्यादा देर नहीं रुकते हैं। जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करने वाले या नोमैड जो होते हैं, एक समय एक जगह पर कुछ समय के लिए रहते हैं और फिर बाद में स्थानांतरित हो जाते हैं दूसरी जगह के लिए। परमानेंट सेटलमेंट जो होते हैं यानी कि स्थायी, जहां पर आप कई सालों से रहते आ रहे हो या निवास करते रहेंगे, तो वहां पर परमानेंट सेटलमेंट हुआ। परमानेंट सेटलमेंट में दो टाइप्स आ जाते हैं, रूरल और अर्बन। रूरल मीन्स ग्रामीण और अर्बन मीन्स शहरी। तो रूरल सेटलमेंट मीन्स व्हेन द पीपल्स आर लिविंग इन द विलेजेस एंड फॉलोइंग द प्राइमरी एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्मिंग एटसेट्रा। एंड अर्बन सेटलमेंट मीन्स व्हेन द पीपल आर लिविंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज और टाउन्स एंड फॉलोइंग द सेकेंडरी एक्टिविटीज व्हिच आर रन आफ्टर बाय द थिंग्स व्हिच वी गेट फ्रॉम द प्राइमरी एक्टिविटीज। तो इस तरह से रूरल और अर्बन के बीच में ये डिफरेंस है। फिर हमारा आता है कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट मीन्स जब हमारे जो घर हैं वो आपस में पास पास में हो, दूर दूर ना हो, मतलब कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मीन्स जुड़े हुए। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मीन्स जहाँ पर हमारे जो घर हैं या हमारा जो बसा हुआ क्षेत्र है वो आस पास ही हो, दूर ना हो, वहाँ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में जो हम कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हम कहाँ देखते हैं, प्लेन्स में देखते हैं, क्योंकि हमारे जो घर है वो आस पास में होते हैं या अगल बगल ही होते हैं, ठीक है। तो स्कैटर्ड सेटलमेंट को डिस्पर्स सेटलमेंट भी कहा जाता है, और ये सेटलमेंट पहाड़ों पर या गांव में पाया जाता है या जंगलों में, जहाँ घर दूर दूर, या डेजर्ट्स में, एक्सट्रीम कंडीशन में जहाँ घर दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो सेटलमेंट हमारे टेम्पोररी और परमानेंट। परमानेंट के दो टाइप होते हैं, रूरल और अर्बन, और सेटलमेंट्स कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब आता है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स रीचिंग द प्लेस वेयर वी वांट टू ट्रेवल टू मीट आर रिलेटिव्स और फॉर कम्युनिकेशन एज वेल एज टू सेंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर is called the transport method। तो transport यानी यातायात। यातायात के चार साधन होते हैं, there are 4 means of transportation, there are air, land, water and road। तो transport यातायात के साधन हम चार तरीके से देख सकते हैं, airways, landways, waterways और roadways। तो first of all हम roadways के बारे में जानेंगे। roadways is the most commonly used method for traveling। roads were built in majority of countries which connect the various parts or the various regions in the country। roads can be metal or unmetal। to roads metal bhi ho sakti hain aur unmetal bhi ho sakti hain। to roads highways ya four ways ya lanes hoti hain jin jo humme hamare desh ki metropolitan cities ko connect karti hain। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवेज है, और सबसे ओल्ड और लॉन्गेस्ट रूट है जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। कुछ और एग्जांपल्स है रोडवेज के, जैसे कि आपके जर्मनी में हाईवेज को ऑटोबैंस और इंग्लैंड में हाईवेज को मोटरवेज कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम वाटरवेज पे। वाटरवेज सबसे स्लोवेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है पर चीपेस्ट भी है। आप हैवी गुड्स अगर आप एक रीजन से दूसरे रीजन ले जाना चाहते हैं तो वहां वाटरवेज आपके लिए हेल्पफुल है। वाटरवेज आपका इनलैंड भी हो सकता है और ओशियनिक भी हो सकता है। इनलैंड वाटरवेज किस तरह से, जैसे कि अगर हमें अपने देश में ही यात्रा करनी है वहां इनलैंड वाटरवेज हो, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन और मिसिसिपी मिसौरी रीजन में, नॉर्थ अमेरिका में, और आपका आ गया ग्रेट लेक्स अलोंग द सैन लॉरेंस सी वे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इन रीजन में क्या होता है, हम अपने देश में, या नील नदी है इजिप्ट में, तो हम अपने देश में ही यात्रा करते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। ओशियनिक रूट्स जो होता है वो
ट्रैवलिंग के लिए या गुड्स को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अर्लीस्ट टाइम जब एरोप्लेन्स नहीं बने थे तो उस समय वाटरवेज ही पॉपुलरली यूज होता था किसी भी जगह जाने के लिए। और वाटरवेज इसलिए भी हेल्पफुल है कि हम जो हैवी गुड्स एरोप्लेन में नहीं सेंड कर सकते हैं या रेलवे जहाँ नहीं पहुंच सकती है वहाँ वाटरवेज हमारा पहुंचा सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे इम्पॉर्टेंट रूट्स जिन्हें नॉर्थ पैसिफिक रूट जो कि नॉर्थ अमेरिका और ईस्ट एशिया तक चलता है, साउथ पैसिफिक रूट वेस्टर्न यूरोप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से पनामा कैनाल के थ्रू चलता है, और साउथ अटलांटिक रूट जो है ईस्टर्न साउथ अमेरिका ब्राजील अर्जेंटीना और वेस्टर्न यूरोप के मध्य चलता है। ठीक है, अब हमारा आता है रेड ग्रीन। थर्ड है हमारा रेलवेज। रेलवेज वर्ड इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांसपोर्ट इन डेली एक्टिविटीज बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टू ट्रेवल टू देयर डिस्टेंट प्लेसेस और गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन एंड कुरियर वर्क इज ऑल्सो डन फ्रॉम द रेलवेज। सो हाउ दिस रेलवे वॉज मतलब हाउ दिस रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन वॉज स्टार्टेड, इट वॉज अ टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप वेन स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाई जेम्स वाट। तो जेम्स वाट ने जब स्टीम इंजन का इन्वेंट किया तो उद्योगों तक इंडस्ट्रीज तक गुड्स पहुंचाने के लिए रॉ मटेरियल पहुंचाने के लिए जल्द से जल्द समय में रेलवे का निर्माण किया गया और स्टीम इंजन जो कि जेम्स वाट के थ्रू प्रोड्यूस हुआ था इन्वेंट हुआ था वो उन्होंने फिक्स किया ट्रेन्स में और जो ट्रेन थी वो कम समय में हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाने लगी। तो ऐसी कई रेलवे हैं जो कई कंट्रीज को कई रीजन्स को और कई सॉरी देश के कई भागों को कनेक्ट करती है। रेलवेज कैन नॉट बी लेड ऑन द माउंटेन्स, जो उबड़ खाबड़ या माउंटेन्स रीजन है वहां पर रेलवेज को नहीं बिछाया सकता रेलवे लाइन्स को, क्योंकि वहां पर समतल भूमि नहीं होने के कारण वहां पर पहुंच पाना या रेलवे ट्रैक बिछा पाना मुश्किल। ठीक है, तो हमारे देश में शताब्दी ट्रेन है और मेट्रो ट्रेन है, लोकल ट्रेन है जो कि चलती हैं। तो कुछ ट्रेन जैसे कि अगर हम बात करें ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये लॉन्गेस्ट रेलवे है जो मॉस्को और लार्डिस्टॉक तक कनेक्ट करता है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे जो कि सिडनी से पर्थ के बीच में कॉन्टैक्ट करता है, कनेक्शन है। और कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जो वैनकोवर को मॉन्ट्रियल से जोड़ता है। यूएस हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे इन द वर्ल्ड। अब आते हैं एयरवेज में। एयरवेज मीन्स हवाई यात्रा। तो फर्स्ट एयरक्राफ्ट वॉज इन्वेंटेड बाय द राइट ब्रदर्स एंड द बॉडी और द मेटल यूज इन द और द फ्यूल यूज इन द एयरवेज इज वेरी एक्सपेंसिव, जो कि एयरवेज में जो गुड्स यूज होते हैं वो बहुत खर्च मतलब महंगे होते हैं और जिस मटेरियल से एयरक्राफ्ट बनता है वो बहुत ही हल्का मेटल का होना चाहिए और जो फ्यूल होता है वो लेस इनफ्लेमेबल होना चाहिए, ज़्यादा फ्लेमेबल नहीं होना चाहिए वरना प्रेशर के कारण उसमें आग लग सकती है और आपका एयरप्लेन क्रैश कर सकता है या उसमें धमाका हो सकता है। तो एयरवेज इज द फास्टेस्ट बट मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवेज जो है सबसे फास्टेस्ट है पर सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट भी है और ये कम समय में हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाता है। देयर आर मेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लाइक न्यू दिल्ली, मुंबई विच आर इन अवर कंट्री, शिकागो एंड ब्राजील एटसेट्रा। सो जो एयरवेज है वो हमारा कंट्रीज को मतलब जो पैसेंजर्स हैं वो किसी भी जगह पहुंचने के लिए खासकर फॉरेन कंट्रीज तक पहुंचने के लिए एयरवेज का ही यूज आज करते आ रहे हैं। अब हमारा है कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन मीन्स द मेथड बाय विच वी कम्युनिकेट और सेंड मैसेजेस टू अवर पर्संस टू अवर रिलेटिव्स इन लेस टाइम इज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन जो है वो एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं अपने सगे संबंधियों या अपने रिश्तेदारों से. और कम्युनिकेशन ऐसा नहीं कि हम अपने रिश्तेदारों से करें, कम्युनिकेशन का मतलब ये भी होता है कि हमें कोई सूचना है तो हम जनता तक पहुंचाएं, वो भी कम्युनिकेशन हो सकता है. कम्युनिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, पर्सनल और मास कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन यहाँ पर हम किसी दो व्यक्तियों के बीच में या आपसी बात निजी बातचीत करते हैं वहाँ पर्सनल कम्युनिकेशन होता है. और इनमें आपके टेलीफोन्स, लेटर्स, पोस्टकार्ड्स, टेलीग्राम्स आ जाते हैं. ठीक, अब आपका आता है मास कम्युनिकेशन. व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग टू मैनी पर्संस और प्रोवाइडिंग दम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और एनी न्यूज, देन वी यूज द मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन के मेथड्स होते हैं आपके रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर और मैगजीन. तो अर्लीस्ट टाइम्स में पैसेंजर पिजन्स या आपके जो संदेश वाहक होते थे वो आपकी खबर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे. ठीक है, तो दिस वॉज द चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट. आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स.